सही देना चाहते हैं। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है उसको नीतीश कुमार अगर बढ़िया नहीं करेंगे तो हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। हम लोग बिहार सरकार के दमनकारी जो सरकारी विद्यालय में है उसका विरोध के लिए आए हैं और नीतीश कुमार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो पद यात्रा करने निकले थे और चंपारण से देखिए आज पद यात्रा करके पटना पहुँचे। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पद यात्रा पर निकले थे, कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे थे और देखिए अब पद यात्रा करके ये लोग आज पहुँचे हैं पटना। जी पदयात्रा करके आ रहे हैं हम लोग। हम लोग चंपारण से 27 तारीख हम लोग चले थे, आज हम लोग का 6ठा दिन है और नीतीश कुमार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और जी और हम लोग सभी हम लोग स्टेट में अभ्यर्थी हैं जो कि हम लोग 30,675 हैं। हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति करें नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, 150 किलोमीटर का ये पद यात्रा है मोतिहारी के गांधी मैदान से पटना के गांधी मैदान में हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये 150 किलोमीटर की दूरी है। बिहार मांगे आज शिक्षा, जिसको घर में रहना चाहिए था, होली मनाना चाहिए था, लेकिन इस सरकार की गलत नीति के कारण पद यात्रा हम लोग विवश होकर के अपने अपने घर नहीं गए और हम लोग पद यात्रा करके बिल्कुल महोदय हम लोग 160 किलोमीटर लंबा पद यात्रा बापू के कर्म पूरी चंपारण से आ रहे हैं और सरकार को यह संदेश देने जा रहे हैं कि आप बिहार को बर्बाद करिए, हम आवाज करने के लिए संघर्ष करेंगे और नीतीश कुमार जी एक न एक दिन आपको हम पराजित कर देंगे और दुनिया का नंबर 1 मॉडल बनाएंगे बिहार को। जी पद यात्रा करके आप लोग चंपारण से पटना पहुँच गए, शिक्षा बचाओ पद यात्रा कर रहे हैं आप लोग। हम लोग बिहार सरकार के दमनकारी जो सरकारी विद्यालय में है उसका विरोध के लिए आए हैं क्योंकि बिहार में सरकारी विद्यालय ध्वस्त हो चुकी है, उसी का पोल खोलने के लिए शिक्षा बचाओ पद यात्रा है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगी। सरकार को कड़ा निर्देश है कि सरकार डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और नियमावली में प्रावधान कीजिए सीटेट बीटेट एसटेट के मार्क्सों के आधार पर। इसी उद्देश्य के साथ पद यात्रा के बाद आप लोग की आवाज सरकार तक पहुँचेगी? एकदम पहुँचेगी। हम शिक्षा बचाओ पद यात्रा पूरे बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों के लिए आए हैं। जी आप बताइए पद यात्रा पहुँचे क्या संदेश देना चाहते? संदेश यही देना चाहते हैं बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है उसको नीतीश कुमार अगर बढ़िया नहीं करेंगे तो हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं क्योंकि सर हम लोग रास्ते में जितने भी विद्यालय में गए हैं उसमें शिक्षा का कोई भी आप तो शिक्षा को लगता है कि वह गर्त में चला गया। हम लोग इसी उद्देश्य और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करे सरकार और बिहार के गरीब के बच्चे के साथ न्याय करे। बिहार के गरीब के बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, आप मजदूर बना करके कब तक पिटवाते रहिएगा हम लोगों को? अरे हम लोगों को तमिलनाडु महाराष्ट्र आसाम में कब तक पिटवाइएगा? अभी से अभी आपको बुद्धि नहीं खुल रहा है, मजदूर की फैक्ट्री बनाना बंद कीजिए और हम लोग को नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये स्टेट के अभ्यर्थी, आपको बता दें कि ये लोग शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकले थे और चंपारण से चलकर आज ये लोग पटना पहुँचे थे और कहीं ना कहीं सरकार के नीतियों से ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं स्टेट के अभ्यर्थी हैं ये लोग नाराज चल रहे हैं। इनके कहना है कि सरकार की आँख खोलने के लिए हम लोग चंपारण से चलकर पटना पहुँचे और अब भी सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनती है तो हम लोग अब सरकार से आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।